देश के लाखों मजदूर सड़क पर हैं। अलग अलग राज्यों से सड़क मार्ग के माध्यम से ये मजदूर अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार इनकी फिक्र कैसे कर रही है, इसका एक उदाहरण तब सामने आया जब सरकार ने ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया। ट्रेनें शुरू करने के ऐलान के साथ ही लगा था कि अब मजदूरों को पैदल सफर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें साहब, सरकार तो सरकार ठहरी। सरकार ने मजदूरों के लिए एसी ट्रेनें चलाई जो उनकी पहुंच से दूर हैं। ट्रेन की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत के बाद एहसास हुआ था कि सरकार शायद अब उनके लिए ट्रेनें चला देगी। सरकार ने ट्रेनें तो चलाई लेकिन मजदूरों का दर्द नहीं समझ पाई। IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करने की जो घोषणा की है वो कितनी अफसोसजनक है, ये इस बात से साबित होता है कि मजदूर आखिर कैसे ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे। सड़कों पर सफर कर रहे मजदूरों के पास जब खाने को नहीं, पीने को पानी नहीं, जिन पैरों से चल रहे हैं उन पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं, तो वो कैसे टिकट बुक करेंगे। नौकरशाहों को मजदूरों का दर्द समझना होगा। सरकारों को मजदूरों का दर्द क्यों दिखाई नहीं देता, आखिर ये बेतुका फैसला क्यों लिया गया। हम तो सरकार से और सरकार के मुखिया से यही अपील करेंगे कि वो एक बार फिर सोचे और मजदूरों के लिए ट्रेनें तो चलाए लेकिन ऑनलाइन टिकट बुकिंग से कम परहेज करे। जब कांग्रेस ने मजदूरों के लिए अपनी ओर से टिकट देने की बात कह दी है तो सरकार ऐसा प्रपोजल बनाए, एक ट्रेन का किराया कितना होता है उसे कांग्रेस को बताए और कांग्रेस उस किराए को वहन कर ले। अगर सरकार के बस में नहीं तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद ट्रेन का किराया सरकार को भिजवा दें जिससे मजदूर अपने घर पहुंच सकें, सड़क पर पैदल सफर करने से वो बच सकें।